Hey guys, welcome back to the new video. तो ये वाली न्यूज वीडियो एक डेडिकेटेड न्यूज वीडियो होने वाली है एल्विश यादव एंड मैक्सन की कंट्रोवर्सी के बारे में। तो क्या भाई, एल्विश यादव एंड मैक्सन की जो कंट्रोवर्सी थी वो टोटली एक्सपोज हो चुकी है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो बेसिकली हुआ क्या कि रैंडम से ना, जिन्हें ऑलरेडी यार आप लोग जानते होंगे, इन्होंने यार एल्विश यादव को भी रिसेंट टाइम में एक्सपोज किया हुआ है। तो लाइक होता क्या है कि अभी कुछ दिन पहले से ही यार रैंडम सेना के रिलेटेड एक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी कि भाई रैंडम सेना को भाई अरेस्ट कर लिया गया है, बिकॉज एल्विश यादव ने रैंडम सेना की यार फोटो वगैरह लीक कर दी थी। एंड यार रैंडम सेना अपने सोशल मीडिया यार इस टाइप की वीडियोस अपलोड करते हैं जहां पर यार वो हिंदुत्व की रक्षा वगैरह करते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो होता क्या है कि जब से यार ये न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी कि रैंडम सेना को भाई अरेस्ट कर लिया गया, उनको पुलिस ने उठा लिया घर से, तब से यार लोग अपने-अपने ओपिनियंस दे रहे थे। कुछ लोग यार ये कह रहे थे कि सच में रैंडम सेना अरेस्ट हो चुके हैं, एंड वहीं ऑन द अदर हैंड कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि रैंडम सेना अरेस्ट नहीं हुए हैं। एंड ये चीजें यार इसीलिए सर्कुलेट हो रही थी क्योंकि रैंडम सेना दो दिन से अपने सोशल मीडिया पे भाई गायब हो गए थे, इसलिए यार ये न्यूज़ आ रही थी कि रैंडम सेना भाई अरेस्ट हो चुके हैं। बट आज ही भाई कुछ ही मिनट पहले रैंडम सेना ने अपने YouTube चैनल पे कंप्लीटली भाई एक एक्सपोज वीडियो अपलोड करी है एल्विश यादव एंड मैक्सन की कंट्रोवर्सी के ऊपर। एंड आल्सो रैंडम सेना ने एल्विश यादव एंड मैक्सन की कंट्रोवर्सी को तो एक्सपोज किया ही, बट ऑन द अदर हैंड एल्विश यादव जो मुनावर से मिले थे उस वाली टॉपिक को भी भाई उन्होंने कंप्लीटली एक्सपोज कर दिया है अपनी वीडियो में। उनकी वीडियो से मैं आपको एकदम बेस्ट पार्ट को दिखा देता हूं जिस पार्ट में उन्होंने एल्विश यादव एंड मैक्सन की कंट्रोवर्सी को एक्सपोज किया था, देखिए आप लोग। ये 12-14 मिनट की ऑडियो सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि गद्दार हिंदू एल्विश यादव ने हिंदुओं के साथ गद्दारी की मुनव्वर को गले लगा के, तो एल्विश यादव के इंस्टा हैंडल, यूट्यूब हैंडल, ट्विटर हैंडल पे तीनों जगह जाइए और स्पैम करिए कि गद्दार हिंदू एल्विश यादव हिंदुओं से माफी मांग मुनव्वर को गले लगाने के लिए। तीनों प्लेटफॉर्म पे एल्विश यादव के तीनों प्लेटफॉर्म पे कम से कम 5-5 लाख कमेंट्स होने चाहिए ताकि उस गद्दार को हिंदुओं की औकात पता चले, क्योंकि उसने पूरे मुद्दे को डिबेट करके हिंदुओं से माफी नहीं मांगी, नहीं मांगी, नहीं मांगी। ये वीडियो अंत तक देखना। मेन मुद्दा पिछले 3-4 दिन से यही चल रहा था, यही था कि एल्विश यादव जो अपने आपको कट्टर हिंदू बताते आया है और बिग बॉस में हिंदुओं से वोट लेके बिग बॉस जीता, वो एंटी हिंदू मुनावर जिसने प्रभु श्रीराम और मां सीता को गाली दी, जिसने गोधरा में मरे हुए हिंदुओं का मजाक उड़ाया, उसके साथ गले में गले क्यों लगाया, उसके साथ हंस हंस के ब्लॉगिंग क्यों की, उसके साथ अपने इंस्टा स्टोरी में फोटो क्यों डाली। रैंडम सेना ने मुद्दा यही उठाया था। रैंडम सेना ने पिछले 6 महीने में उसको इतना सपोर्ट किया, बिग बॉस में अपना पेज पूरा समर्पित कर दिया था, इसलिए कि एल्विश यादव जैसा हिंदू अगर फेम पाता है तो वो सेक्युलर हिंदूज को प्रमोट करेगा कट्टर हिंदू बनने के लिए। लेकिन ठीक इसका अपोजिट हुआ, एल्विश यादव ने मुनव्वर को गले लगा लिया। इस बीच में जब रैंडम सेना ने ये एक सिंपल सा ट्वीट किया था डिसअपॉइंटेड होके, तो एल्विश यादव के जो फैन पेजेस हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, वो हमें मॉक करने लगे, वो हमें टारगेट करने लगे। और मेरी एक गलती हुई कि मैंने भी रिटेलिएशन में उसी तरह से गाली गलौज कर दी और इन लोगों ने पासा पलट दिया और विक्टिम कार्ड खेलने लग गए कि रैंडम सेना गाली देता है, रैंडम सेना गाली देता है, रैंडम सेना गाली देता है। वो मुद्दा एल्विश यादव ने मुनव्वर को गले क्यों लगाया, एंटी हिंदू मुनव्वर को गले क्यों लगाया, वो मुद्दा दब गया। लेकिन दाद देनी पड़ेगी जुआरी गद्दार हिंदू एल्विश यादव का, जिसने मुनव्वर को गले लगाने के लिए पूरे हिंदू समाज से नहीं माफी मांगी। ये है औकात हिंदुओं की एल्विश के सामने। फिर आती है मेंट्री मारी मैक्सटन भाई साहब ने, जिनको क्लाउड लेना होता है, वो एल्विश से भिरे। एल्विश यादव ने वो मुद्दा को डिवेट करने के लिए कि एल्विश यादव ने मुनव्वर फारूकी को गले क्यों लगाया, ये मुद्दा ऊपर पीक पे ना जाए, इसलिए उसने मैक्सटन जैसे छोटे बच्चे को पोक कर दिया और एड्रेस पे बुलाया उसको। मैक्सटन चला गया, पिटाया, मैक्सटन कुटाया। उसके बाद मैक्सटन मुझे कॉल करके मैसेज करता है, मैसेज किया, कॉल किया कि भाई तुम मेरा साथ दोगे? मैंने बोला हाँ ठीक है साथ दूंगा, लेकिन अगर करना है तो FIR करो, तभी मैं साथ दूंगा, नहीं तो साथ देने का कोई मतलब नहीं होता है। सोशल मीडिया पे रीच लेने का मतलब नहीं है। अगर आपको आप पिटाए हो, आपको जान से मारने की धमकी एल्विश ने दी है, तो आप जाके FIR करो। मैक्सटन ने FIR किया। फिर मैक्सटन के FIR करने पे ही एल्विश भाई का पूरा सिस्टम हिल गया। और ये देखिए एल्विश भाई का सिस्टम कितना तगड़ा है कि एल्विश भाई ने रैंडम सेना को सम्राट भाई के थ्रू कॉल करवा के मैनेज करने को बोला। ये देखिए सिस्टम कैसे, सिस्टम की मूत निकल गई, ये देखिए। रैंडम सेना का जो इमेज आप खराब किए हो, आप रैंडम सेना का रैंडम सेना की इमेज वही है भाई। नहीं है भाई, मैं मैक्सटन की बात कर रहा हूँ, स्टाइलिश की बात करो। मैक्सटन का मैटर हम सुलझाएंगे आपको रैंडम सेना से। सुलझाओ ना। 4 बार एल्विश भाई ने रैंडम सेना को बोला कि मैक्सटन वाला केस सॉल्व करवाओ भाई, मैक्सटन वाला केस सॉल्व करवाओ भाई। तो भाई क्या ही बचड़ा फैल रखा है, इसको ठीक करो यार। तुम्हारा मैटर तो चल ही नहीं रहा अभी, मैटर ही दूसरा चल रहा। मैटर हम सुलझाएंगे ना एल्विश, तुम्हारा सारा मैटर हम सुलझाते, ये भी सुलझाएंगे। और इन सब चीजों में वो मुद्दा फिर से दब गया कि एल्विश यादव ने मुनव्वर फारूकी को गले क्यों लगाया। जैसे ही एल्विश के जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनको हमने ही सिखाया था ट्विटर चलाना बिग बॉस के टाइम में, हमने ही सिखाया था सैंपल ट्वीट्स कैसे डाला जाता है, हमने ही सिखाया, रैंडम सेना नहीं सिखाया था एल्विश यादव के टेलीग्राम चैनल के थ्रू कि किस तरह से ट्विटर ट्रेंडिंग की जाती है, वो रैंडम सेना के अगेंस्ट ट्रोलिंग स्टार्ट कर दिए और फोटो वोटो लीक करने लगे। पहले एल्विश आर्मी ने फोटो, एड्रेस, मेरा फोन नंबर सब लीक करने लगे। तब एल्विश भाई का ईगो हर्ट हुआ और एल्विश भाई ने रैंडम सेना का फोटो, एड्रेस, नंबर सब लीक कर दिया ट्विटर पे। मैंने फिर से एक गलती कर दी,
मैं भावुकता में आके मैंने वापस उसको गाली दे दी एल्विश यादव को। फिर से ये मुद्दा दब गया कि एल्विश यादव ने उस कट्टर हिंदू रैंडम सेना का फोटो एड्रेस नंबर लीक कर दिया जो हिंदुत्व का काम पिछले 3-4 साल से करती आ रही है। कमलेश तिवारी जी की हत्या इस्लामिस्ट ने कर दी थी और भी कितने सारे हिंदू की जान चली गई है हिंदुत्व का आवाज उठाने के लिए, लेकिन एल्विश यादव ये चीज नहीं सोच पाए अपने ईगो और घमंड में कि रैंडम सेना का फोटो लीक करना कितना डेंजरस बात है, नंबर लीक करना कितना डेंजरस बात है और एड्रेस लीक करना कितना डेंजरस बात है। फिर उसके बाद जब रैंडम सेना के पास जब ये आए भीख मांगने कि मैक्सन का मुद्दा सॉल्व कर दो तो मैं नहीं झुका, मैंने बोला कि पहले आप माफी मांगिए कि आपने गलती की मुनव्वर को गले लगा के, तो एल्विश यादव ने ये बोला कि हां वो तो हो ही जाएगा, पहले मैक्सन का मुद्दा सॉल्व करो। जब मैं नहीं झुका उसके एल्विश यादव के सामने, रैंडम सेना के लिए धर्म सबसे ऊपर है, रैंडम सेना बिल्कुल नहीं झुका एल्विश यादव के पैसे और गुंडागर्दी के आगे, तब कोई इन्होंने लोकल का कोई दलाल सेट किया, किसी दलाल को जिसके नाम में ही दलाल है उस दलाल को सेट किया और उसको रीच की लालच दी, अपने स्टोरी में मेंशन किया ताकि उसको रीच मिले। मैक्सन के पिताजी बोले कि जान से मारने की धमकी दी गई है। एक बाप होने के नाते मुझे डर है जो कभी भी एल्विश यादव पैसे वाला पार्टी है वो हर जगह से कहीं कहीं कुछ कुछ करता रहेगा, अगर किसी तरह का हमला कहीं पे भी होता है हमारे घर परिवार या सागर पे तो इसका जिम्मेवार वो एल्विश यादव खुद जिम्मेवार होगा। क्या मैक्सन के पिताजी को किसी ने भड़का दिया था? नहीं। और फिर वो दलाल लोकल के गुंडे मैक्सन के घर पहुंचे, पैसे के साथ साथ धमकी दोनों मिली मैक्सन को और मैक्सन पलट गया। मैक्सटन तो पलट गया, मैक्सटन तो आपके सो कॉल्ड सिस्टम के आगे झुक गया, वही सिस्टम जो रैंडम सेना से भीख मांगने आया था कि मैक्सटन का मुद्दा सुलझा दो भाई, मैक्सटन का मुद्दा सुलझा दो। मैक्सटन का मैटर मेरे बाद हम सॉल्व करेंगे इसकी गारंटी हम लेते हैं। नहीं होगा तो भाई पहले दूसरा नहीं भाई, सम्राट भाई देख लो यार जो है मेरा ये है, ये वीडियो भाई अपना बना के डालेगा, माफी मांगेगा भाई, मैंने भी तुम्हें बताई पहले जो हाइलाइटेड मामला वो शॉर्ट और मेरी गारंटी है। नहीं भाई रैंडम सेना तो नहीं झुका, लेकिन ये यहाँ पे गुड़गांव के गुंडे के सामने मैक्सन पैसे के साथ साथ या धमकी दोनों में मुझे पता नहीं पैसे की डीलिंग हुई कि नहीं हुई, वो तुमने झुक गया। अब आपको आपको धमकाइएगा किसी को तो वो तो पलटेगा ही। खैर इन सब चीजों में फिर से ये मुद्दा दब गया कि एल्विश यादव ने मुनव्वर को गले क्यों लगाया, एल्विश यादव ने मुनव्वर के साथ ब्लॉगिंग क्यों की, एल्विश यादव ने मुनव्वर को क्या की तारीफ क्यों की, एल्विश यादव ने मुनव्वर के साथ स्टोरी क्यों डाली, वही एल्विश यादव जिसने चीख चीख के अपने बायो में लिखा हुआ है कि मैं हिंदू हूं, कोई हिंदू मुनव्वर फारूकी के साथ गले लगा सकता है क्या? नहीं लगाएगा। हाँ सचिन तेंदुलकर और ये अक्षय कुमार जैसे लोग गले लगाए तो वो चीख चीख के अपने आपको नहीं बताते हैं कि मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं कट्टर हिंदू। रैंडम सेना ने कभी कास्ट की राजनीति नहीं की और एल्विश आर्मी नंगा नाच शुरू कर दी, सिस्टम 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 सिस्टम, लेकिन आपका सिस्टम आपका एल्विश यादव रैंडम सेना के सामने मूतने लगा और आया था मेरे सामने भीख मांगने कि मैक्सन का मैटर सॉल्व कर दो, लेकिन रैंडम सेना नहीं झुका, मैक्सन का मैटर सॉल्व नहीं किया, तब ये कोई दलाल के पास गए। एल्विश यादव भाई कल बड़ा बड़ा रुद्राक्ष का माला पहन के आए ये साबित करने के लिए मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं कट्टर हिंदू हूं, लेकिन मैंने आज तक इनको कभी भी रेगुलरली कोई रुद्राक्ष का माला पहनते नहीं देखा, क्योंकि ये जानते हैं कि सोशल मीडिया के कट्टर हिंदू कितने रियल कट्टर हिंदू और कितना बेवकूफ बनाना कितना आसान है कट्टर हिंदुओं को, कि एल्विश यादव जैसे ढोंगी सट्टाबाजी हिंदू अपने आप को कट्टर हिंदू बता सकते हैं। पैसे के दम पे किसको नहीं खरीदा जा सकता है, लेकिन आप पैसे के दम पे रैंडम सेना को कभी नहीं खरीद सकते, कभी नहीं खरीद सकते, कभी नहीं खरीद सकते। आपका सिस्टम आया था मेरे सामने भीख मांगने कि मैक्सन का मैटर सॉल्व कर दो, मैं नहीं झुका, मैं चाहता तो एल्विश यादव के बारे में भी नहीं बोलता इस चीज को, मैं दोस्ती को ऊपर रखता, लेकिन आपको गर्व होना चाहिए रैंडम सेना पे कि रैंडम सेना ने धर्म को ऊपर रखा और एल्विश यादव ने भी गद्दारी की तो एल्विश यादव के अगेंस्ट भी बोला रैंडम सेना और बोल रहे हैं कि एल्विश भाई का तो सिस्टम है, सिस्टम सिस्टम नहीं है भाई तुम्हारे एल्विश भाई का, तुम्हारे एल्विश भाई जुआ प्रमोट करते हैं, दलाली करते हैं और तुम जैसे मजदूरों को बेवकूफ बनाते हैं और पैसा अपने घर में नोट छापते हैं और तब नोट के दम पे दलालों को खरीदते हैं और तब धमकाते हैं लोगों को, यही चीज है सिस्टम तुम्हारे भाई का। और ऐसे सिस्टम को अगर तुम प्रमोट करते हो तो तुम भी दिहाड़ी मजदूर हो, तुम अपने माँ बाप को यह बताना कि मैं एक जुआरी को जुआरी के सिस्टम को ऑनलाइन प्रमोट करता हूं, अपने बाप से माँ बाप से पूछना कि क्या मैं सही हूं। ऑल्सो आप लोग क्या कुछ सोचते हो यार रैंडम सेना की एक्सपोज के ऊपर, भाई रैंडम सेना ने जिस तरीके से एल्विश यादव एंड मैक्सन की कॉन्ट्रोवर्सी को एक्सपोज किया, ऑल्सो यार एल्विश यादव को कंप्लीटली एक्सपोज किया, आप लोग क्या कुछ सोचते हो यार इस वाली कंट्रोवर्सी के बारे में, मुझे अपने ओपिनियंस को जरूर बताना। एंड ऑल्सो भाई इस चीज पर एल्विश ऑल्सो मैक्सटन या किसी का भी यार रिएक्शन आता है तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में भाई जरूर बता दूंगा। तो चलो गाइस बस अभी के लिए इतनी न्यूज़ थी ना कि जो भी न्यूज़ मिलेगी यार मैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। एंड यार गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, एक सेकंड तो लगता है यार कर लो ना सब्सक्राइब। एंड यहां पर मैं आप लोग को डेली YouTube कम्युनिटी के रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज़ देता रहता हूं सबसे पहले। एंड मैं मिलता हूं आप लोग को नेक्स्ट वाली वीडियो में, पीस आउट।